नमस्कार, आप देख रहे हैं एपटी न्यूज़। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। जनपद सिद्धार्थ नगर की एसओजी सर्विलांस और थाना मोहानी की संयुक्त टीम द्वारा नौनहवा के पास 14 जुलाई को हुई लूट में शामिल तीन लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 50,500 रुपये नकद, 1 अदद अवैध असलाह, 3 15 बोर कारतूस व लूट में शामिल बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी ककरावा से कपिलवस्त्र जाने वाले तिराहा थाना मोहाना से की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोहाना में कई मुकदमे पंजीकृत भी हैं। लूट का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि लूट में शामिल तीन लुटेरे संदेश कुमार हीरा लाल व अनिल कुमार को टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, लेकिन लूट का मुख्य अभियुक्त बुद्धेश उर्फ बुद्धा की तलाश जारी है। ये थाना मोहाना में 14 जुलाई को हरैया जंगल में ये एक व्यापारी के साथ शाम को लगभग 8:30 बजे लूट की घटना घटित हुई। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज एसओजी टीम और थाना मोहाना टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम संदेश कुमार निवासी कपिलवस्तु, हीरालाल निवासी थाना चिलैया, अनिल कुमार निवासी कपिलवस्तु थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो लूट की धनराशि 50,500 रुपये बरामद की गई है, साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा और 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त बुद्धेश उर्फ बुद्धा इस समय फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है बुद्धेश, उस शाम को इनके पास आया था। इन्होंने पहले नशा और शराब का सेवन किया, इसके बाद वो जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ पे जाके वो खड़े हुए थे, और जब ये व्यापारी उस रूट से आ रहा था तो इसको रोक कर उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी लड़ाई, ये दोनों बाइक से 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था, और उस व्यापारी के पास जो बैग था इन्होंने उसे छीन के वहाँ से ये फरार हो गए। इसमें आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 1 अभियुक्त इसमें फरार है। सर एक बात आती है, जैसे ये क्या ये लोग पहली बार अपराध किए, जिससे पहले भी अपराध? इसमें जो 3 व्यक्ति इस समय गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से अभी संदेश के संबंध में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, बाकी हीरा और अनिल के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त उद्देश्य जिस समय फरार है, इस पर पूर्व में ही NDPS आबकारी चोरी इस तरह के मुकदमे इस पर पंजीकृत है। सर ये जो चोरी की घटना हुई है, जो लूट की घटना हुई, ये पूर्व प्रायोजित थी या मतलब ऑन द स्पॉट सडन घटना? इनसे जो अभी तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनसे जो पूछताछ में की गई है, पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इसमें उद्देश्य का एक पूर्व से ही इसका प्लान था, क्योंकि ये लोग जो इसने बातचीत करी थी इसको बताया कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो इनकी पूछताछ से प्रतीत हो रहा है कि इसे पूर्व नियोजित था। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। पुरस्कार दिया जा सकते हैं इसमें? अभी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी बची हुई है, इसमें हमारी टीम काम कर रही है, और इतना अच्छा हम हमारी टीम काम करी उसके अनुसार हम समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित